तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है नवरात्रि का बैनर पोस्टर कैसे बना सकते हो। यहां पे अगर मैं आपको बैनर पोस्टर दिखाना चाहूं तो उसके लिए मैं पिक्सल लैब में जाता हूं। यहां पे देखोगे तो मैंने कुछ इस तरीके जो एक नवरात्रि का बैनर पोस्टर बनाया हुआ है। तो आपको जो आज के इस नए वीडियो में इसी बैनर के बारे में बताने वाला हूँ कैसे आप जो इस तरीके का बैनर पोस्टर बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब एप्लीकेशन से। तो अगर आप भी बनाना सीखना चाहते हो तो आप जो वीडियो साथ बने रहिए। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हो इसका जो PLV फाइल और इसका जो PNG उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड आपको वीडियो में तीन जगह पर बोल के बताया जाएगा। पासवर्ड एक है, पासवर्ड दो है, ऐसा करके बोल के बताया जाएगा। तो दोस्तों आप जो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को देखते रहे, चले टाइम न लगाते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको बनाना है उसके लिए वीडियो को आप देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करना है। जो भी फाइल दिएगा उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको जो उसमें पासवर्ड डाल के फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इतना काम करने के बाद अभी आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप स्टार्टिंग में इसको ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना है, नीचे के साइड में आपको जो एक फोर्थ नंबर पर ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको चले जाना है फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर। जैसे आप जाओगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पर फोल्डर यानी फाइल दिखाई देंगे, फोटो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अभी आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो आपने मेरे लिंक से डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया हुआ रहेगा। तो मेरा जो फोल्डर का नाम रहेगा नवरात्रि एक पोस्टर करके, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोल्डर का नाम। चलिए इसे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसमें आपको इतने सारे PNG मिल जाएंगे, जो PNG को यूज करके आपको बैनर को बनाना है। सबसे पहला PNG आपका यानी बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड इसको क्लिक करके ओपन करना है। जैसे इसको ओपन करोगे तो आपके सामने जो आपका बैनर का बैकग्राउंड आपके सामने ओपन हो जाएगा। और अभी आपको यहाँ पर करना क्या है, अभी आपको जो भी सारा PNG दिया गया है वो सारे PNG को आपको फटाफट ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं जो भी यहाँ पर PNG है सारा उसको मैं फटाफट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं आपको आगे क्या करना आगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैं जैसे मैंने इसको PNG को ओपन किया, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, यानी ऊपर का नीचे कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं नीचे राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके इस थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ मैं चले जाता हूँ रिलेटिव साइज के ऑप्शन पर। हाइट वेट फुल करके ऊपर मैं राइट का जो ऑप्शन वहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं लेयर की ऑप्शन पर इसको मैं लॉक कर देता हूँ और लेयर की ऑप्शन वापस मैं क्लिक कर देता हूँ। इसी तरीके से चलिए जो बाकी का PNG उसको मैं फटाफट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने बाद यहाँ पे आपको आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। पासवर्ड 8। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो मैंने जो भी सारा PNG था वो सारे PNG को यहाँ पे फटाफट ओपन कर लिया हुआ। यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको ओपन करके इसलिए नहीं दिखाया हुआ क्योंकि आप लोग जो वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, आप फटाफट स्किप कर देते हो। जहाँ पे आपको पासवर्ड मिलता है बस वहीं पर आप रुक के देख लेते हो, उसके बाद वीडियो को बंद कर देते हो। इसलिए दोस्तों मैं सोचा इतना बड़ा वीडियो बना के क्या मतलब, जब आप लोग देखते नहीं हो बस खाली आपको जो पासवर्ड की जरूरत रहती है तो आप जो पासवर्ड के लिए वीडियो को देखते हो, नहीं तो अभी नहीं देखते हो। अगर मान लीजिए मैं वीडियो में पासवर्ड भी नहीं देता हूँ तो दोस्तों आप वीडियो देखोगे नहीं, डायरेक्ट आप वीडियो पे क्लिक करोगे, वीडियो को स्टॉप करके डिस्क्रिप्शन से जाकर जो भी लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे फाइल को, बस काम खत्म हो गया। तो दोस्तों इतना मुझे मेहनत करके कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए मैं पासवर्ड भी वीडियो में दे देता हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत ही व्यू आ पाता है, और यानी फिर भी थोड़ा बहुत दोस्तों कुछ ही लोग देखते हैं, पूरा मतलब पूरा वीडियो को भी नहीं देखते हैं, ऐसा मतलब स्किप करके देखते हैं। जहाँ पर पासवर्ड मिलता है वहाँ पर बस खाली नोट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को बंद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों मेरे जो चैनल का रेटिंग भी बहुत कम हो गया, अभी आजकल देख रहे हैं व्यू भी नहीं आ पा रहा है। सब्सक्राइबर 5K तक प्लस है फिर भी व्यू नहीं आ पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी मैं रोज़ डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं फिर भी ऐसी हालत है चैनल की, तो अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करें दोस्तों। तो आप प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ दोस्तों, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने चैनल पर डेली वीडियो डाल रहा हूँ, डेली आप लोगों को एक एक नए नए वीडियो को आपको दे रहा हूँ। तो चलिए अभी इस बैनर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने जो इतना सारा PNG ओपन कर लिया है, मैं आपको लेयर की ऑप्शन पर जाकर एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हो। तो यहाँ मैंने जो भी सारा PNG ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको लेयर की ऑप्शन पे लॉक का ऑप्शन मिलेगा, वो सारे लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपने PNG ओपन किया रहेगा यहाँ पर आपको उसको लॉक कर देना है। तो यहाँ चलिए मैं फटाफट जो भी PNG था उसको मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया हुआ है। और अभी चलिए यहाँ पे हम लोग एडिटिंग एडिटिंग कर लेते हैं, कैसे आपको यहाँ पे जो अपना पोस्टर बनाना है। तो PNG तो मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो आपका ये वाला बैकग्राउंड वाला PNG है इसको आपको सेलेक्ट करना है, कलर फिल्टर के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। ऊपर राइट का जो ऑप्शन वहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको चले आना है इरेज कलर की ऑप्शन पर, इसको इनेबल करना है। और यहाँ पर टॉलरेंस को फुल करके ऊपर राइट का जो ऑप्शन वहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको चले आना है कलर के ऑप्शन पर, इसको इनेबल करना है। और आपको में जो है व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर राइट का जो ऑप्शन वहां पे क्लिक कर देना है। इतना करते आपके इसमें कुछ इस तरीके से एक जो शेप डिजाइन बन जाएगा, कुछ इसको यहां पे लाके सेट कर देना है। और यहाँ पे आपको ये जो नवरात्रि वाला PNG है इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको क्रॉप के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है, जितना यानी जितना आपका जो टेक्स्ट का साइज है उतना ही आपको यहाँ पे जो क्रॉप कर लेना है कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ मैंने जो लगभग क्रॉप कर लिया हुआ है, और अभी आपको नीचे राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है, साइज़ इसका छोटा करके इसको ला के यहाँ पे आपको सेट कर देना है। और यहाँ पे अभी आपको बाकी जो कुछ भी लिखना है चलिए उसको भी फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे मुझे जो कुछ डिस्टर्ब कर रहा है देखते हैं, कुछ लॉक नहीं तो उसको भी चलिए फटाफट यहाँ पर लॉक कर लेते हैं। तो ए रहा मैंने इसको भी लॉक कर दिया, और यहाँ पर मेरा न्यू टेस्ट का भी काम है इसको रहने देते हैं। और यहाँ पर ए वाला कौन सा पीएनजी है तो इसको भी चलिए लॉक कर देते हैं, तो लॉक पहले से ही है। और ए वाला ये तो मेरा टेस्ट का ही है, इसको भी रहने देते हैं, इसको लॉक नहीं करेंगे, यूज़ होगा बाद में। और ये मेरा ए वाला पीएनजी, इसको भी लॉक नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मुझे जो मुझे लॉक करना है वो मेरा लगभग यहाँ पे लॉक है। और अभी चलिए यहाँ पे जो फ़ोटो सेट कर लेते हैं, फ़ोटो में नाम लिख लेते हैं, और यहाँ पे आपको जो कुछ भी लिखना है चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे नवरात्रि का तो टेक्स्ट यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है, तो यहाँ जैसे आप लिखोगे आप सभी देशवासियों को, आप सभी क्षेत्रवासियों को, आप सभी ग्रामवासियों को, आप सभी लोगों को, जैसे आपको जो भी आपको समझ में आता है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। लिखने के लिए जो आपका न्यू टेस्ट है इसको सिलेक्ट करना है, एक ही ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर आपको जो इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एडिट के जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी लिखा है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे अभी आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिखोगे, तो जैसे एग्जांपल दिखाने के लिए मैं लिख लेता हूँ आप सभी लोगों को या आप सभी ग्रामवासियों को, जो भी आपके मन में आता है जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पर आप लिखोगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा और डन करके मैं यहाँ पर जो ओके करता हूँ, और मैं इस टेस्ट का साइज़ छोटा करके इसको मैं यहाँ पर ला के रख देता हूँ, और रखने के बाद इसके बीच में ही रखता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो रखूँगा थोड़ा मतलब अच्छा देखने में लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर ला के इसको रखता हूँ। पासवर्ड एक रखने के बाद यहाँ पे मैं जो चले जाता हूँ फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे मैं जो माय फ़ॉन्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो मैं चले जाता हूँ कोई एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं जो भी फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको ये सारे फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके आप सारे फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो एग्जाम्पल मैंने एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया, और मैं इसी फ़ॉन्ट का एक कॉपी ले लेता हूँ, जैसे मेरा यहाँ पे लिख के हो चुका है आप सभी ग्रामवासी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बस खाली मेरा यहाँ पे की हार्दिक शुभकामनाएं वाला टेक्स्ट बाकी रहेगा लिखने के लिए। तो चलिए हाँ मैं वो भी टाइपिंग करके लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे की हार्दिक शुभकामनाएं, और यहाँ पे मैं जो डन करके ओके करता हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसी के नीचे मैं इसको ला के सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और अभी मेरा जो पीएनजी है उसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरा जो इतना काम करके हो चुका है, और अभी मैं ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे नीचे लाता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिखने के लिए इसको रहने देता हूँ यहाँ पे, और ये जो सारा टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो काफ़ी सारा स्पेस बचा हुआ है, काफ़ी सारा जगह बचा हुआ है, तो नीचे मेरा यहाँ पे नाम लिखने में काम आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सारे को यहाँ पे ला के रख देता हूँ। और अभी मैं यहाँ पे जो लॉक कर रहा है उसको लॉक कर देता हूँ, अभी मुझे इसका काम नहीं लगेगा तो इसको मैं लॉक कर दे रहा हूँ। और जो टेक्स्ट है नवरात्रि वाला इसका भी काम नहीं लगेगा, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। चाहे तो दोस्तों ये जो नवरात्रि वाला टेक्स्ट है इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, आपको जो भी कलर पसंद है इसको सिलेक्ट करके थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं जो कोई कलर आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो, तो कोई भी कलर आपको जो भी पसंद है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कलर को नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ मैं कट कर देता हूँ, मैंने आपको आइडिया दे दिया कलर आप अगर आपको चेंज करना होगा तो चेंज कर सकते हो। तो अभी आपको इतना काम करने के बाद प्लस के ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी आपको जो भी पीएनजी लगाना है अपने इस बैनर में पोस्टर में, यानी जिसका भी फोटो लगाना है, जिसका भी पीएनजी फोटो लगाना है, यहाँ पे आप उसका फोटो ओपन करोगे। तो एग्जांपल दिखाने के लिए आप लोगों को चलिए मैं यहाँ से कोई भी फोटो को ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ मैं चले जाता हूँ उसके लिए अपने फोल्डर में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं इस फोटो को सिलेक्ट किया और इसका एंगल चेंज करके इस तरीके से, और यहाँ मैं नीचे राइट का जो ऑप्शन वहाँ पर क्लिक करके साइज में छोटा करके इस फोटो को ला के यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और इसको थोड़ा सा मैं इसमें कलर फिल्टर देकर इसका जो थोड़ा सा लुक चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और मैं ऊपर राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके इस फोटो को मैं साइज थोड़ा सा और बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मेरा यहाँ पे देखोगे तो फोटो सेट करके हो चुका है। और अभी आपने जिसका भी फोटो लगाया रहेगा उसका नाम लिखना होगा, तो नाम लिखने के लिए जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके एक ही ऑप्शन पर आना है, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो भी लिखा है उसको कट कर देना है। और यहाँ पर आपने जिसका भी फोटो लगाया हुआ है यहाँ पर अभी आप उसका नाम लिखोगे, तो लिखने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ नाम लिखा और यहाँ मैं डन करके ओके करता हूँ, मेरा जो टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। साइज में इसका कुछ इस तरह करके छोटा करता हूँ साइज, और यहाँ मैं रखता हूँ इसको, और यहाँ मैं कलर के ऑप्शन भी आता हूँ प्लस के ऑप्शन सेलेक्ट करके इस कलर पिक के ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, इस वाले कलर को लेता हूँ मैं यहाँ से, और डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो मेरा इसमें एक येलो कलर आ चुका है। ऊपर मैं राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर मैं चले जाता हूँ फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर, और यहाँ मैं माई फ़ॉन्ट के ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से चलिए एग्जाम्पल दिखाने के लिए आप लोगों को एक फ़ॉन्ट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे जो ए वाले फ़ॉन्ट को सेलेक्ट किया, नीचे मैं ओके के ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, मेरा फ़ॉन्ट इसमें आ चुका है। और यहाँ मैं शैडो के ऑप्शन पे आके इसको इनेबल करता हूँ, यहाँ पे ब्लर रेडियस को कम कर देता हूँ 1 या 2 के आसपास रखता हूँ, आउटर ग्लो को इनेबल करके, और यहाँ मैं जो ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई थोड़ा सा उसको बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो अभी मेरा जो यहाँ पर नाम भी लिख के हो चुका है, पासवर्ड 3। और अभी आप इसके नीचे जो कुछ भी लिखना चाहते हो वो चीज़ लिख सकते हो, या आपको जैसे मान लीजिए आप सभी टैगलाइन
डिज़ाइन में देना चाहते हो अपने फोटो के बारे में तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, लिखना कैसे हो तो मैंने आपको बता दिया। बस उसी तरीके से आपको यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो बस आपको यहाँ पे इतना ही काम करना है कुछ इस तरीके से, एक नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं वाला टेक्स्ट यानी सॉरी दोस्तों बैनर को बनाने के लिए। तो जाइए अभी बनाइए, इसका जो PLP है और इसका जो PNG उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पासवर्ड तो आपने वीडियो में सुन ही लिया होगा, मैंने आपको बोल के बता दिया पासवर्ड क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।